हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करें बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज मैं आपको बताऊंगा बीकॉम फर्स्ट ईयर के बिजनेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग, डिफाइन ओरल कम्युनिकेशन, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ एंड लिमिटेशंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इसमें हमें बताना है कि उम्र के ओरल कम्युनिकेशन के डिफाइन करना है, ओरल कम्युनिकेशन के बारे में बताना है, उसकी एडवांटेज और लिमिटेशन को भी बताना है। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओरल प्रेजेंटेशंस, डिस्कस द फैक्टर्स द ओरल प्रेजेंटेशन। इसमें हमें ओरल प्रेजेंटेशन के डिफेक्टर और फैक्टर बताने हैं। ठीक है, और उसके बारे में, ओरल प्रेजेंटेशन के बारे में बताना है, डिफाइन करना है। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन है। और इसमें इसमें एंड करके क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मैंने दिख रखा है, मतलब इसका एक क्वेश्चन का पार्ट है, राइट अ नोट ऑन ओरल प्रेजेंटेशन, मतलब ओरल प्रेजेंटेशन पे कोई नोट लिखना है, मतलब उसके बारे में बताना है डिटेल में खोल के। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। इसी है हमारा, व्हाट इज़ इफेक्टिव लिसनिंग, मतलब हम लिसनिंग को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं ये बताना है। गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव लिसनिंग, मतलब जो गाइडलाइन होती है उसके बारे में बताना कि हम कैसे, किस तरीके से, क्या क्या रूल्स फॉलो करके किसी को लिसनिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पारा लैंग्वेज एग्जाम्पल इन ब्रीफ। इसमें पारा लैंग्वेज के बारे में आपको बताना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं जाएगा। यही क्वेश्चन ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें तैयार कर लेंगे अच्छे से तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आपका पेपर से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज़ मीन बाय रिटन स्किल्स, मतलब जो लिखने की, रिटन में लिखने की स्किल्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, बाय गिव वेरियस स्टेप्स ऑफ रिटन स्किल्स, मतलब एक स्टेप बताने हैं सभी के लिखने, रिटर्न के क्या क्या स्टेप होते हैं उनके स्किल्स के। ऑल्सो गिव द गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव रिटर्न स्किल्स, उसकी गाइडलाइंस बतानी है इफेक्टिव स्किल्स को करने के लिए, है क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, व्हाट डू यू मीन बाय ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग क्या होती है, इसमें ड्राफ्टिंग के बारे में बताना है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच द जर्नल पॉइंट शेड्यूल बी कीप इट अप इन माइंड विल डूइंग प्रिपेरिंग इन आइडियल ड्राफ्टिंग। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये है एक, फिर शॉर्ट्स क्वेश्चन में आ जाते हैं कुछ, रिटर्न आ डिटेल नोट्स ऑन रिपोर्ट राइटिंग, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये फिर इसका एक पार्ट और है, राइट आ डिटेल नोट्स इन इंटरव्यू, इंटरव्यू के ऊपर डिटेल नोट लिखना है। फिर आता है इसका ही एक पार्ट्स, डिफाइन द टीम टर्म इंटरव्यू, डिस्कस इट्स टाइप्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 12th, हाउ शुड द इंटरव्यू प्लान एंड कोड कंड्यूस्ड इंटरव्यूज। ठीक है, फिर इसके बाद आता है, हाउ विल यू क्लासिफाई सर्वे मेथड्स बेनिफिट ब्रीफली डिस्कस ईच मेथड, इसमें ब्रीफली मेथड का डिस्कस करना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो 2019 में क्वेश्चंस आए थे आपके एग्ज़ाम्स में, देख लीजिए, उन्हें भी दिखा देता हूँ मैं। अगर आप इन्हें भी तैयार कर लेंगे तो मिनिमम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन आपके इसमें से ही लग जाएंगे अगर आप अच्छे से नहीं तैयार कर लेंगे। हमारे वेरी शॉर्ट्स में आए थे 5 क्वेश्चन जो कुछ इस तरीके से, देखो जैसे मैंने इसमें बताया था मॉक इंटरव्यू का, इसमें भी आया हुआ है मॉक इंटरव्यू का, ये रहा, व्हाट इज मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू क्या होता है। ठीक है, फिर आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेमेंथिक बैरियर्स। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस पॉइंट्स गिवन इन द लेआउट ऑफ रिज्यूम, रिज्यूम का जो लेआउट होता है उसके इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं उन्हें डिफाइन करके बताना है। जैसे कि सबसे पहला आता है करियर ऑब्जेक्टिव, फिर आता है स्टडी, फिर आता है स्किल्स, फिर क्वालिफिकेशन, ऐसे तरीके से करके आते हैं जो जो वो पॉइंट्स इसमें आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ
पारा लैंग्वेज वो देखो, पैरा लैंग्वेज का मैंने ऊपर भी आपको क्वेश्चन बताया था, इसमें भी आपका पारा लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल सर्वेंट्स, ये भी क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं सोर्ट्स क्वेश्चन की, ये तीन क्वेश्चन है सोर्ट्स, देख लीजिए। डिस्कस द वेरियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो वेरियर मॉडल्स होते हैं कम्युनिकेशन के वो आपको डिस्कस करने हैं, इसमें बताने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंक्लूडिंग प्रोग्राम पैराग्राफ एंड मिडल पैराग्राफ, मतलब जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होते हैं और मिडल पैराग्राफ क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। व्हाट, फिर अगला क्वेश्चन है सेवन्थ का सेकंड पार्ट, इसमें है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रेजेंटेशंस, मतलब कि इसमें आपको मतलब डिफरेंस बताना है कि इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन और ग्रुप प्रेजेंटेशन में, ठीक है। फिर एट्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिस्कस द प्रोसेस अडॉप्टेड इन सर्वेस मेथड्स, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज, इसमें आपको सर्वेस मेथड की एडवांटेज और डिसएडवांटेज बतानी है। फिर आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें हमने सिक्स क्वेश्चन दिखा रखे हैं, इसमें से कोई भी तीन करने होते हैं, ठीक है। आप पढ़ते हैं पहला, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके एक्सप्लेन करना है और इसके ऑब्जेक्टिव को आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब इसमें यही बताना है कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब हम अपने कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज अ ग्रुप डिस्कस होल्ड, एक्सप्लेन गाइडलाइन फॉर इफेक्टिव ये गलत हो रखा है कुछ, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इज अ ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। और इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गॉड न्यूज़लेटर, गिव अ स्पेसिमैन फॉर अ गुड न्यूज़लेटर, ठीक है। स्पेसिमैन के लिए गुड न्यूज़लेटर कैसे लिखते हैं वो उसमें आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये है हमारा राइट अ लेटर योर कंसाइनमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट टू ऑस्ट्रेलिया दैट हैज बीन डिमांड ड्यूरिंग द वॉज सबमिट अ क्लेम फॉर अ कंपनसेशन फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी को जो है लेटर भेजना है कंसेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया, इसके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन में भी मुझे लगता है गलत है, आप इस क्वेश्चन को रहने दीजिएगा, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही कम लगेगा, इसे हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय रिटन स्किल्स, गिव द वेरियर स्टेप्स फॉर ऑफ रिटन स्किल्स, ऑल्सो गिव द गाइडलाइंस ऑफ इफेक्टिव रिटन स्किल्स, मतलब अपने को इसमें बताना है कि रिटन स्किल्स क्या होती है, ठीक है, और मतलब जो हमारे लिखने का तरीका होता है उसके लिए क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत होती है। और इसमें पूछा गया कि वेरियस स्टेप ऑफ रिटन स्किल, मतलब जो रिटन स्किल्स के स्टेप होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। ऑल्सो गाइडलाइंस ऑफ इफेक्टिव रिटन स्किल, हम जो इफेक्टिव कैसे बना, मतलब रिटन स्किल्स को अच्छा कैसे बना सकते हैं उसके लिए गाइडलाइन देनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये है वॉट इज इफेक्टिव इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, हम इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं इसका हमें एक्सप्लेन करना है और एडवांटेज और डिसएडवांटेज बतानी है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की। तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में वही आता है कि हम दूसरे देश से जहाँ पर वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, वो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कहलाता है। और दोस्तों इन्हीं सभी क्वेश्चन के आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप इस वेबसाइट पे जाके वहाँ से इन सभी क्वेश्चंस के आंसर पढ़ सकते हैं, सिंपल ही है उसमें आप, या फिर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको सभी इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।